हेलो आप सब लोगों को। आज जो अनाउंसमेंट आपसे बात करनी है, जिसके लिए मैं आया हूं, वो कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। आप रियलाइज करो कि अभी जो मैंने हिंदू का एक एडिटोरियल का क्लास शुरू किया था, द वे आई सेट द क्वेश्चंस, जैसे मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा था, आई वॉज फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इससे बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बेसिक्स, इंग्लिश में बेसिक्स होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी जिन्होंने सीजीएल का पीटी दिया है, अभी वो अगर बोल रहे हैं कि हमें पीक्यूआरएस, सेंटेंस अरेंजमेंट, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, इसका प्रैक्टिस कराई है हमको, एक स्पेशल क्लास दीजिए, सीपीओ का भी जिनको देना है। मुझे एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि आप इंग्लिश के बेसिक्स को इग्नोर करके आप पीटी दिए हो, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्लोसेस 5 ही होता है, आपने निकाला। तो उसी बेसिक्स को मजबूत करने के लिए मैंने हिंदू शुरू किया था। देखिए, हम में से जितने भी लोग यूट्यूब पे सक्रिय हैं, उन सब लोगों का एक ड्रीम होता है कि व्यूज बहुत सारा जाए, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हों, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब से हमारी कमाई हो, सबका ये होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर विजिटर्स हमारे यहां आ रहे हैं, तो क्या विजिटर्स के मैं नीड को पूरा कर रहा हूं, या उनको उनको शौक को, शौक मतलब उनको कुछ चटपटी चीजें सुनने का की चीज का शौक है, उनको कुछ ऐसी चीजें देखने का या सीखने का है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता है और इंस्टेंटली ये महसूस होता है कि हाँ, हमने कुछ सीख लिया। क्योंकि बेसिक्स लैंग्वेज में, लैंग्वेज हमेशा आपके अपने ओरिएंटेशन की चीज है। मैं अपने चैनल पे कभी भी ऐसी चीजें नहीं डील करता जो आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपको मजा बहुत आए और आपके करियर में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। मैं अभी कभी कभी कोई डील नहीं करता, इसीलिए मैं ग्रामर के को वैसे पढ़ाता हूं जैसे आपको ग्रामर सीखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने सीखा, जैसे मैंने बेसिक्स मजबूत किया, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, उसको आप नॉलेज नहीं बोल सकते हो। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, तो मैं वो शेयर करता हूं। बाय डिफॉल्ट वो चूंकि बहुत सीरियस स्टडी है, मैं सीरियस रहता हूं पढ़ाने के समय में, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर लड़का मुझे सुनने के लिए आ रहा है तो उसके कैरियर में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके अपने लैंग्वेज में मेरे तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब वो चीजें जो मैं कर रहा था, तो बहुत कम लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। चलो ठीक है, मैं ये चीज बता रहा था कि जिन लोगों को वो चीज अच्छी लग रही है उनके लिए, उनको मैं सॉरी बोलता हूं। और चूंकि अभी का क्या है कि चूंकि अभी सीजीएल मेंस है, तो मैंने एक फिर से रि शेड्यूल किया कि चीजों को, कि चीजें कैसी होनी चाहिए मेरे तरफ से जाने वाला, व्यूज व्यूज से मतलब नहीं है, जो मुझे लगा कि चीजों को इस तरह से अगर मैं करूं तो शायद जिनको मेंस देना है उनको फायदा होगा। मैं मेंस का, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेंस का पेड कोर्स भी ला सकते हैं आप, मैं मेंस के लिए, चूंकि पढ़ाने का टाइम नहीं है, आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करने का टाइम नहीं है, मैं कोशिश किया पिछले महीनों में, लेकिन आप में से कोई कम लोग उस चीज को अप्रिसिएट कर रहे हो या समझ पा रहे हो कि ये सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस ही बनाने की मैं बात कर रहा हूं, बट उसको एडिटोरियल के थ्रू मैं कर रहा हूं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मैं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अब मुझे मेरा अपना काम है वो मैं कर रहा हूं, तो मैंने इसको, ये चीज को मैंने चेंज किया है। और मैंने चेंज किया, मैंने आपको, मैं अभी क्या कर रहा हूं कि मैं चैलेंजर सीरीज का क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें हमेशा एक नए टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रेशर पड़ेगा बनाने को। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा 4 o'clock मंडे को, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन 1 o'clock ट्यूजडे को आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके बाद मैंने एक
नाम दिया है लक्ष्य 2024 सीजीएल एंड सीपीओ मेंस, इसके क्वेश्चंस आपको तीन मिलेंगे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 4 बजे क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूंगा, वो मेंस का होगा। पर्टिकुलरली अभी मैं सीपीओ वाले लोगों को बताऊं कि अगर आप पीटी के, क्योंकि मेंस और पीटी में कोई अंतर नहीं होता, एक कंप्रिहेंशन को छोड़ के बाकी सब चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको बनाने आता तो आप पीटी मेंस की बात नहीं करते, लेकिन चलो ठीक है। तो सीपीओ वाले लोग ये मत सोचना कि मैं 200 क्वेश्चंस किए, मैं उसको एनालाइज करूंगा, ये बहुत जल्दी मैं एनालाइज करूंगा उसको, शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं एनालिसिस दूं आपको इंग्लिश का। क्योंकि मैं, देखो एक चीज आप समझना, मैं इससे कंसर्न नहीं हूं कि आपका कितना स्कोर आएगा तो आपको होगा, वो आपको भी पता है। मैं बहुत सारा देखता हूं कि लोग बताते हैं कि इतना स्कोर सेफ रहेगा, इतना स्कोर नहीं होगा। तुमको भी पता है कि अगर तुमने 160 से 170 के बीच में बनाया है तो यू आर सेफ, तुमको पता है। तो ये सुन के खाली बस अच्छा लगता है, और मैं लैंग्वेज के बारे में जानता हूं, मैं सीजीएल के स्कोर के बारे में बहुत नहीं जानता, मैंने अपना पूरा करियर लैंग्वेज पे डिवोट करके रखा है। तुम लैंग्वेज में कैसे स्कोर कर सकते हो वो मुझे पता है, स्कोर कर सकते हो, कितना वो मांगेगा उससे मतलब नहीं है। अगर सीपीओ अलग 200 क्वेश्चन देता है तो आप एक 195 भी स्कोर कर सकते हो, 196 स्कोर कर सकते हो, मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, तो आपके पास स्कोप इतना है। आप ये मत सोचो कि सेफ कितना होगा, क्योंकि सेफ अगर आप जो आइडियल अपने आप को बनाते हो तो उससे आप नीचे रहोगे। इसीलिए क्वेश्चंस में सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं, टाइप वही होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो मैं 4 बजे आपका ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे क्वेश्चन मिलेगा, अगले दिन आपका वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट, आप पे प्रेशर रहेगा, आप सॉल्व करो। उसका अप्रोच क्लोसेस का, पीक्यूआरएस का, कंप्रिहेंशन का कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने शुरुआत में ये सोचा है कि पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं पहले एनालाइज कर दूं, दो बार जो 45 क्वेश्चन के सीजीएल मेंस वाले लोगों का जो परीक्षाएं हुई हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन वेरी किया है वो मैं कर दूं, आपको आइडिया लगेगा। देन एक जो हम लोगों एक मैं और बूस्टर मैंने करके एक आपका दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन 1 बजे और क्वेश्चन संडे को 4 बजे आपको मिलेगा, मंडे को एक डे एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसमें मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टेकअप करूंगा, चाहे वो क्लोजेस हो, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे वो कंप्रिहेंशन हो, मैं कोई पर्टिकुलर सेक्शन को टेकअप करूंगा जिसमें आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए बनाने का, ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यही तीन को लेके लोग परेशान रहते हैं, और यही तीनों बिना अंग्रेजी के बेसिक्स को मजबूत किए हुए नहीं बनेंगे। इन तीनों के लिए अंग्रेजी का बेसिक्स मजबूत होना चाहिए, और वो होता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं शुरुआत से, आप मेरे को कभी भी सुने होंगे तो मैं यही बोलता हूं कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो तो आप किसी भी सेक्शन को टैकल कर लोगे। अगर आज हिंदी में आपको क्वेश्चन दिया जाए क्लोजेस का, कंप्रिहेंशन का, किसी भी चीज का, तो आप आराम से बना लोगे। आप ये नहीं करोगे कि मेरे को हिंदी में अगर पीक्यूआरएस दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। क्यों? बस सिंपल सा थॉट है कि हिंदी में पढ़ के सब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, इसीलिए आपको हिंदी में कैसा भी नया क्वेश्चन दिया जाए आपको परेशान नहीं आएगी। इंग्लिश में उस पर कभी काम नहीं किया क्योंकि उसकी किताब तो बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कोई किताब है नहीं। और हमारे यहां टीचर्स ये बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपने पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है नहीं बढ़ी है आप खुद जज करो। ठीक, तो ये सेक्शन को मैं, उसका वीडियो मैं एक्सप्लेनेशन का मंडे को आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो हमारे ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं गोल्डन रूल के सीरीज, वो तो चलते ही रहेंगे सैटरडे संडे को। मैं अगर देख रहा हूं कि जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, और आपका ये चैलेंजर सीरीज में बैंकिंग के क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड करूंगा। क्वेश्चंस का टाइप हमेशा आपके अंडरस्टैंडिंग को, मैं जब भी क्वेश्चन देता हूं ना तो टारगेट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी लग रही है।
और जो लोग अभी मेंस के एस्पिरेंट हैं, मैं उनको एक एडवाइस करना चाहूं कि ये छोटी छोटी चीजों के बारे में, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप छोटी छोटी ग्रामर के रूल्स को लेके आप टारगेट करो। ग्रामर का कौन सा रूल पूछेगा ये तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही बताएगा। और मैं अगर बोलूं कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms phrase, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एसएससी का एग्जामिनर सेटर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। आप उन चीजों को शुरुआत से जान रहे हो जब से आपने तैयारी शुरू की है, कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप तैयार करते हो तो क्वेश्चंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन idioms phrases बाय एंड लार्ज 90% प्लस वहीं से आते हैं, वो रिपीट करता है। तो आप अपने को अगर ये छोटी छोटी चीजों पे डालोगे ना, जिसमें शॉर्ट टर्म होता है कि हम ये 150 याद कर लें, मेरा उसी में से आ जाएगा, तो ये मेरे को अप्रोच बड़ा डेंजरस लगता है। नहीं आया, आपका एक साल बर्बाद होगा। देखो, मेरा एक साल बर्बाद नहीं होने का है, आप रियलाइज करो। छोटी छोटी चीजों पे अगर हम शॉर्ट टर्म जो लगे कि तुरंत में फायदा कर, अच्छी चीजें तुरंत में फायदा नहीं करती, उसके लिए समय लगता है, अच्छी चीजों को कल्टीवेट करने में टाइम लगता है। और ये कंपटीशन है जहां पे लाखों लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको इतने छोटे कंसिडरेशन पे नहीं चलना चाहिए, आपको अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करने का है। हम ये सोचते हैं कि इंडियन टीम अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती है और वो बोले कि मेरे को बहुत फास्ट बॉलिंग खेलने में नहीं बनता है, तो वो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगी। आप ये सोचो, उनको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप मैथ्स में अपने आप को तैयार कर रहे हो, आप रीजनिंग में, जीएस में अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप छोड़ के, और ये लैंग्वेज में बहुत ज्यादा परेशानी होती है ऐसी। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन पे नहीं चले, उससे कंपटीशन नहीं निकलता। आपने आज तक किसी ऐसे का कंपटीशन निकलते हुए नहीं देखा होगा जिसके सेक्शंस कोई एक पेपर कमजोर हो, आपने नहीं देखा होगा। किसी एक पेपर के पूरे बनाने में दूसरे पेपर में खराब परफॉर्मेंस करने में नहीं रिजल्ट आता है। आप इन बेसिक्स को, जो बेयर फैक्ट्स है, उसको इग्नोर मत करो। मैं आपको एक अनुभवी आदमी की तरह, मतलब जो मुझे अनुभव हुआ है, मेरे से जो मेरे थ्रू जो हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ, मैं उनके अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको अपने चारों पेपर में एवरेज से ऊपर जाना होगा। और एवरेज से ऊपर जाने के लिए सबसे पहले बेसिक्स मजबूत करने के बाद खूब प्रैक्टिस करना होगा। और इंग्लिश का बेसिक्स आपको मैं फिर बोल रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग है। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे इन क्लासेस को लेने से आपको हेल्प मिलता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं बूस्टर सीरीज करता हूं तो आपके सेक्शनल आपको मजबूती मिलेगी। एक दिन का अगर मैं आपको हाउ टू सॉल्व क्लोजेस देता हूं, उस थियरी को टेकअप करके अगर आप आगे में उस पे क्लोजेस उस पूरे वीक में बनाते हो, कभी आपने मैथ में एक सेक्शन का आपने टाइम लिया, आपने एक सेक्शन पहले सीखा उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उस सेक्शन के आपने क्वेश्चंस बनाए, तरह तरह के क्वेश्चंस बनाए, कभी इंग्लिश में ऐसा नहीं किया कि आपको आपने पहले क्लोजेस का हाउ टू सॉल्व सीखा कैसे बनाते हैं, और तब आपने कुछ 15 दिन महीने भर लगातार 2-3 क्लोजेस को एनालाइज कर करके आपने किया। अगर किया होता तो आज आपको परेशानी नहीं होती। मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि जो 2 महीने का समय बचा हुआ है उसमें मैं कितना आपके मार्क्स में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। आई विल ट्राई ऑनेस्टली। और ये आपको यूट्यूब के मेरे कम्युनिटी पे ये रूटीन आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। मैं जब शुरू करूंगा तो मैं इसके बाद का जो आपको इसी वीक में जो वीडियोज मिलेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये 2 साल में जो सीजीएल मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके पैटर्न में गड़बड़ी हुई है, पैटर्न एक तरह का नहीं है, उसने चेंज किया है।
तो ये बात भी बहुत क्लियर है कि अगली बार वाले पैटर्न को भी आप मत सोचो, एक साल उसने 6 सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा, अगले साल उसने 0 सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा है, तो फिर ये मत सोचो कि किसी पैटर्न पे क्या सेट करना है। मैं इसको एनालाइज करके आपको वीडियो दे रहा हूं सो दैट कि अगले वीक से जब आप हम लोग तैयारी करें तो आप इन 2 महीनों में जितना लाभ उठा सकते हो और ग्रामर की चीजों को जितना कम करो, क्योंकि ग्रामर ही हमें पकड़ता है। हमें लगता है ग्रामर का मतलब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चंस को अगर एनालाइज करूंगा तो आपको पता चलेगा, मैं जो 4 2022 के क्वेश्चंस थे और 2023 का एक जो मेंस का पेपर है, उन 5 पेपर को पहले हम लोग एनालाइज करेंगे मेंस वाले लोगों में। वो एनालाइज करने के बाद हम लोग अभी आगे बनाएं, सॉल्व करें। मैं अपने तरफ से एक सिस्टमेटिक प्रयास कर रहा हूं जिसमें सीखना नहीं है, अब चीजों को ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली एडॉप्ट करने की बात हो रही है, आई होप। और इस बीच में मैं हिंदू के एडिटोरियल को, आई एम सॉरी, जो लोग सीरियस स्टडी कर रहे थे उनको थोड़ी निराशा हुई होगी, बट सीजीएल वाले लोगों को, सीजीएल वाले लोग ज्यादा हैं, देखने वाले लोग ज्यादा हैं, तो हिंदू वाले लोगों को मैं बोलूंगा कि ये चैलेंजर सीरीज के क्वेश्चंस को जरा हैंडल करने की कोशिश करो, अच्छा है। और आप अगर अंग्रेजी से जुड़े हुए हो, अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए, तो आप अपने बेसिक्स कर रहे हो। मैं इसी वीक में जल्दी ही एनालिसिस के वीडियो के साथ में मिलता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन, बाय।